हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज़ 48। 29 मार्च 2020 आज शाम की आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य मुख्य खबरें क्या हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं की सुरक्षा की मांग बांका। बांका आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष कल्याणी सिंह ने बांका केंद्र वह आंगनबाड़ी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर मांग की है। जी हां, आप जानते हैं आंगनबाड़ी बहनों की जो ड्यूटी है वो कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई जा रही है, लेकिन बहनों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। बांका आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष कल्याणी सिंह ने बांका के आंगनबाड़ी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बांका जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS को आवेदन देकर कहा है कि राज्य के बाहर से आए लोगों की जानकारी प्रशासन को देने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। बहनों, आप जानती हैं सभी राज्यों में इस समय आप जानते हैं कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है। जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से राज्य में आता है, अगर उनकी जानकारी आंगनबाड़ी बहनें देती हैं तो लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सुरक्षा की मांग की है। सेविकाओं द्वारा कार्य असंभव हो गया है। कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट के बीच आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर कार्य तो कर रही हैं, लेकिन जगह जगह उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। उन्होंने इस पर अविलंब एक्शन लेते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कहा कि इस विषम परिस्थिति में लाभुक का खाता और आधार मांगा जा रहा है, ऐसी स्थिति में सेविका काम करे तो कैसे करें। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों ने सुरक्षा की मांग की है, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है। बहनों को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर व स्टाफ ने दिया एक दिन का वेतन। जी हां बहनों, हरियाणा से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। सांपला महिला एवं बाल विकास विभाग के सांपला कार्यालय में तैनात स्टाफ व ब्लॉक की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने एक दिन का वेतन दान करने का निर्णय लिया है। स्टाफ एक दिन का वेतन इकट्ठा करके मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजेगा। कार्यालय में CDPO सहित 6 सुपरवाइजर, 1 अकाउंटेंट व 1 सहायक तैनात है। विभाग के कर्मचारी राकेश दलाल ने बताया कि ब्लॉक में 152 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी व कार्यकर्ता एक दिन का वेतन कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान देंगे। तो आंगनबाड़ी बहनें भी आगे आई हैं मदद के लिए। हालांकि बहनों का वेतन बेहद कम होता है, लेकिन फिर भी बहनों ने इतनी जो है वो अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपना एक दिन का वेतन जो है वो दान करने का फैसला लिया है। पोषण आहार और नाश्ता बांट रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। महिला बाल विकास ने 17 मार्च को दिए थे आंगनबाड़ी बंद घर करने का आदेश। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर जो है लोगों को और बच्चों को पोषण के लिए जो है वो भोजन बांट रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार बच्चों का वजन तोलने के साथ साथ उन्हें पोषण आहार और नाश्ता वितरित कर रही हैं। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए महिला बाल विकास ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन फिर भी बहनें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो आशा बहनों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को भी बीमा योजना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी सभी राज्यों में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से और तत्परता से कर रही हैं। कोरोना वायरस के पीड़ितों की जाँच कर रही हैं। जो भी लोग बाहर से राज्य में आते हैं उनके नाम जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज रही है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी बहनों को भी बीमा योजना का लाभ जरूर देना चाहिए। तो ये थी आज की खास अपडेट। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।